हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द पी स्क्वायर सलून। आपने बॉयलर कलर सुना होगा, जो एक कलर कटिंग के काम भी आता है, सुना है ना? तो वो बॉयलर कलर करते कैसे? बॉयलर कैसा मतलब कुछ ऐसा या फिर ऐसा, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कैसा होता है। लॉरियल में भी आता है, शोर्शकोफ में भी आता है। क्या नंबर होता है कलर ट्यूब का वो बता देंगे, ठीक है? और मैं बता दूँ, आज हम कुछ कलर करने वाले हैं, जैसे कि लॉरियल का शेड गार्ड है, सबने देखा होगा ऑनलाइन वगैरह, ठीक है? इसके अंदर मैं आपको दिखा दूँ, जैसे कि ये कलर, ये वाला कलर टॉप पे दिख रहा है। ये ऐसे ही टिंच में जब आप करते हैं, जब ऐसे ही टिंच में अगर आप करते हैं कलर ये वाला, तो इतना वॉयलेट नहीं आता होगा, या चलो आ जाता होगा। जिसको नहीं आता वो सीख लो, सिंपल सा फैक्ट है, ठीक है? ये वाला वॉयलेट कलर करेंगे लॉरियल में। इस पर नंबर भी लिखा हुआ है 4.20, ठीक है? इरिटेशन जो कहते हैं, इरिटेशन नाम सुना होगा लॉरियल में, सही नंबर से आता है। अब ये शोर्शकोफ में भी आता है, जिसको L99 वॉयलेट होता है ना, L88 तो आपका वो हो गया रेड वाला, तो L99 शोर्शकोफ सीरीज में आता है। अभी कैसे होगा, इतना ज़्यादा टिंच जितना इसमें दिखा रखा है, अगर 4.20 को आप डायरेक्ट काले वाले बालों पे लगाओगे, तो वो वॉयलेट का हल्का सा टिंच देगा 40 वॉल्यूम्स लगाने पे भी। अगर आपको प्रॉपर वॉयलेट वाला टिंच चाहिए, या तो कोई क्रेजी कलर वगैरह लगा दो, मतलब प्री लाइट करके कोई, अगर आप ये वाले कलर लगाते हो ना, तो ये स्टेबिलिटी लाएगा। जैसे आप ब्लू पिंक वगैरह कलर करते हो, तो वो वॉश आउट होता है टाइम के हिसाब से, होता है ना? तो ये कलर कैसे होगा वो बताते हैं, स्टेप टू स्टेप देते हैं, सिंपल सी। जैसे हम हर बार बताते हैं, आपको एक हेयर लेना है, इसको हल्का सा प्रीलाइट कर लेंगे। हमने जो लास्ट में बताया था, उसके अंदर 40 वॉल्यूम बताया था, तो हर चीज़ कलर के हिसाब से होती है। अगर आपको वो टिंच जो उसका फैशन शेड का टिंच ज़्यादा चाहिए, तो उसको हल्का सा प्रीलाइट करेंगे 20 वॉल्यूम से। प्रीलाइट के लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, 20 वॉल्यूम किसी भी ब्रांड का हो सकता है, सिंपल सा फैक्ट है। एक बाउल लेना है, हम मैंने वैसे तो मैं तो लॉरियल का ही दिखता है, मेरे पास है तो मैं ये लगाता हूँ, ठीक है? इसके अंदर बाउल के अंदर आपको हल्का सा प्रीलाइट लेना है, दिख रहा होगा आपको, जल गया प्रीलाइट लेना, ठीक है? दिख रहा है? अब इसके अंदर 20 वॉल्यूम डाल लेंगे, आप नाप के डालना 1:2 या 1:1.5, जो भी आपको रेशियो चाहिए, मैं अंदाज से डाल लेता हूँ, डन। अब इसको मिला लेते हैं। अब कभी भी आपको लड़के के करना हो या लड़की के, मैंने आपको बता दिया कलर कैसा है, उस वैसा टिंच चाहिए जो परफेक्ट। अगर आपको फैशन शेड का टिंच चाहिए, अगर आप डायरेक्ट इन बालों पे मैं 40 वॉल्यूम से कलर लगा दूँ, जो कि मैंने आपको दिखाया वॉलेट टिंच, जिसको हम 4.20 या 5.20 में भी आता है, उसके अंदर और हो जाएगा जैसे 4.20, तो ये ऐसा वॉयलेट कुछ कुछ, ये तो मतलब उसी के हिसाब से छाप बना रखी है। आपको ये अगर नहीं दिख रही है, तो साइड में भी नहीं दिख जाएगी, कलर आपको पहले दिख गया, इसके टिंच का आसपास रहेगा। अब हमने ये बना लिया है, जिसको प्री लाइटनर या ब्रोनर आप कहते हो, जो मैंने आपको दिखाया कि ये रहा कलर, ये हेयर रहा, मैंने आपको बताया कि फिर आप इसको प्री लाइट लगाओगे, क्योंकि प्री लाइट से हल्का सा टिंच खिल के आता है, जब बाल थोड़ा सा प्री लाइट हो जाता है। आप कितने बेस शेड के लिए, जितना बेस शेड 5.20 या 4.20 के अंदर ब्लोन चाहिए इतने पे, तो आप बस 20 से हल्का सा प्री लाइट कर लोगे। एक ही बार प्री लाइट लगाओ 20 से, जितना जाएगा जान लो, थोड़ा ज़्यादा चला जाएगा तो दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल ही कम नहीं रहना चाहिए। 20 वॉल्यूम से आप इसको प्री लाइट करोगे, सिंपल सी बात है। थोड़ा ज़्यादा होगा तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन कम ना हो, इसलिए 20 वॉल्यूम से सेफ साइड भी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद आप इसके अंदर 20 वॉल्यूम से ही कलर डिपॉजिट करेंगे, जैसे हम हर बार बताते आ गए आपको। कलर डिपॉजिट 20 वॉल्यूम से ही होता है, क्यों होता है कलर डिपॉजिट, ये मुझे कमेंट करके बताना कि कलर डिपॉजिट हमेशा 20 वॉल्यूम से ही क्यों होता है लॉरियल में, कोई रीज़न है इसका ये बताना मुझे, जो बताए तो मुझे उसका आंसर इसी की मैं स्टोरी लगाऊंगा। जो इस पेज, इस वीडियो का थंबनेल होगा, वो यूट्यूब पे भी डलता है, हमारे वो इंस्टाग्राम पे भी डलता है, तो उस पर आप कमेंट कर सकते हो कि क्यों डलता है 20 वॉल्यूम डिपॉजिटिंग के लिए, बताना। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मुझे वो इंस्टाग्राम पे लास्ट वाले कलर के लिए कि कैसे कैसे कलर किसने किया, तो एक दो के और आए हैं, वो बाकियों के आ गए जो उनके फर्स्ट में आए थे, उनको 5 बंदों को मैं अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर टैग करूँगा। और इंस्टाग्राम पर हमेशा हम लाइव आते रहते हैं, आप उसको देखिए, वहाँ पे आपको हर चीज़ की अपडेट मिल जाएगी, जैसे वीडियो कब बनी है इसकी, वीडियो उसके अंदर पहले ही अपडेट आ जाती है 2 दिन पहले। इंस्टाग्राम का एड्रेस आपको नियर बाय नहीं स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखिए। अदरवाइज मैं आपको बता दूँ, पी स्क्वायर सलोन, PSQUARE
स्क्वायर सलोन, इसी के नाम से हमारा इंस्टाग्राम, जीमेल आईडी, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल सब कुछ यही है। आप हमारा एड्रेस देखेंगे तो गूगल पे पी स्क्वायर सलोन सर्च करेंगे तो लोकेशन, एड्रेस, रिटर्न में एड्रेस सब आ जाएगा। लैंडमार्क कहाँ पे है, दिल्ली के अंदर है, उत्तम नगर में है। जस्ट सिंपल सा है, ये देखा आपने, मैंने इसको लगा लिया प्री लाइटनर। अब आप इसको रख देंगे जैसे मैंने कल बताया था, उठाया बंद कर दिया। ठीक है, और जब ये मिनिमम 45 मिनट्स लगा लो या फिर जैसा आपको लिफ्ट चाहिए, जितना आपको मिल जाता है 5, 6, 7, 8 तक का जो भी आपको लिफ्ट चाहिए, 6, 7 भी इसमें चल जाएगा। ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन ना जाए तो ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लिफ्ट करते हैं बालों को, 8-9 तक जाते हैं तो बालों की क्वालिटी भी कम हो जाती है, बाल जला जला सा बर्न आउट हो जाता है। अब इसको छोड़ देंगे आप अपने अकॉर्डिंग, और जब ये एज यूजुअल मैं बोलूँगा कि मेरी वीडियो में कोई भी कट नहीं होगा तो मैंने पहले से ही प्री लाइट करके रखा है, आपको भी पता है कि प्री लाइट के बाद हेयर कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। ठीक है, तो अब हम इस पर कलर कर लेंगे, दिखाई दे रहा आपको? ठीक है, इस पर कलर करेंगे हम, कैसे करेंगे वो दिखा देते हैं आपको। हैंड टू हैंड दिखाएंगे कलर, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि इसकी डिपॉजिटिंग ये थोड़ा वैसा है, ये कलर जैसे की तरह नहीं होगा, जो लास्ट वीडियो थी उसकी तरह नहीं होगा। ये आपको दिख गया प्री लाइट के बाद कलर ऐसा दिखता है, बाल ऐसा दिखेगा प्री लाइट के बाद, हेयर जो है आपका वो ऐसा दिखता है। डन, अब मैं आपको कलर की ट्यूब आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, फिर से देख लीजिए। ये 4.20 वॉयलेट, जिसको लॉरियल में इरिडेशन कहते हैं, सेकंड नंबर पे आता है फैशन शेड में, पहले ऐश होता है फिर इरिडेशन, जिसे 4.22 पे इरिडेशन आता है। ठीक है, 4.20 एग्जैक्ट, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, मैं बता चुका हूँ, डायरेक्ट आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, अगर अदरवाइज अगर आपको वॉयलेट का टिंच थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो आप रिलाइट करोगे। ठीक है, डन, अब मैं आपको दिखा दूँ कैसे मिलाना है, क्रीम लेनी है। मैं तो बहुत थोड़ा कलर लूंगा क्योंकि मुझे बस इतने से बालों पे आपको करके दिखाने के लिए चाहिए, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, 20 मोली मिलाएंगे, ये देखिए दिख रहा है आपको कलर है इसके अंदर, इस पे भी 4.20 लिखा है, ये वाली ट्यूब है। अब इसके अंदर 20 वॉल्यूम लाएंगे सामने सामने, अगेन आप मिला के वो जो आपका वेइंग मशीन होती है इसमें वेट करते हैं उसमें मिला के करेंगे, मैं इतना नहीं करेंगे, मुझे आदत हो गई है और मैं थोड़ा शॉर्ट नोट पे वीडियो बना देता हूँ जल्दी जल्दी, तो इसको आप अपना 1:1 या 1:1.5 की डिपॉजिट इन टाइम रेशियो रख सकते हैं, कलर की रेशियो कोई दिक्कत नहीं है, इसको अच्छी तरह मिला लेंगे और सिंपल उस पर डिपॉजिट कर देंगे। जो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी फंकी कलर की, रेमबो कलर जिसको होते हैं, रेमबो इंद्रधनुष वाले कलर, उसके अंदर जो कलर थे सीधा प्री लाइट करते हैं बिना डेवलपर के, डायरेक्ट कलर थे ना, ये डायरेक्ट कलर नहीं है और ये वॉश आउट भी नहीं होगा, जब ऐसे कलर जो होते हैं ना फिर वो वॉश आउट नहीं होते। अब बात ये है, अब ऐसे कलर को हम डालेंगे तो ये तो टाइम लेगा डिपॉजिटिंग होने में, तो मैं इसको रेगुलर नहीं दिखा पाऊंगा, मतलब मैं आधे घंटे तो मतलब कट तो मारना पड़ेगा ना वीडियो में, ये तो डिपॉजिटिंग है प्रॉपर 15-20-25 मिनट की। कल तो फंकी कलर थे वो, जो लास्ट वीडियो आपने देखी थी ना वो तो फंकी कलर की थी, वो तो वॉश कर दिया चलो हल्का फुल्का आएगा, इसका तो टिंच दिखाने के लिए मुझे पूरा 20-25 मिनट डिपॉजिटिंग देना पड़ेगा 20 मिनट भी। देखो कलर मिल गया, तो ये सिंपल सी बात है। अब उसके लिए तो मुझे इसके लिए अब मुझे डिपॉजिटिंग के लिए वो करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा इसको, ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा मैं, मतलब कट लगाना पड़ेगा, उसकी टेंशन मारना, कलर वही होगा। करा, उठाया, कलर लगाया, लेकिन जब प्री लाइट हेयर होता है ना, जब प्री लाइट हेयर होते हैं तो कलर दिखने लगता है जल्दी। अभी देखेंगे, मैं आपको वॉयलेट टिंच दिखाऊंगा, मैं हैंड टू हैंड
हैंड पेंट आप उसको वॉयलेट टिंट तो दिखेगी लेकिन वो मतलब स्टेबिलिटी नहीं होगी। अगर तो उनको आप हाईलाइट के बाद या किसी लड़की के वॉयलेट कलर कर रहे हैं हाईलाइट के बाद वो आपको कलर आता हो तो दिखेगा लेकिन उसको स्टेबिलिटी उसको लॉन्ग लास्टिंग रहने के लिए उसको आपको 20-25 मिनट देनी पड़ेगी डिपॉजिटिंग अच्छी तरीके से हो जाए। और मैं फिर से बता रहा हूँ मुझे कमेंट करके इंस्टाग्राम पे टैग करके बताना कि 20 वॉल्यूम से ही डिपॉजिटिंग क्यों करते हैं, बता रहा हूँ। अगर आपको दिख पा रहा होगा तो ये ऑलरेडी देखो पूरा वॉयलेट आ गया है, आपको दिख रहा होगा, देखो मैं पास आगे दिखा देता हूँ। वॉयलेट इतना अच्छा वॉयलेट आया एक बारी में। और इस वाले वॉयलेट की खासियत रहेगी जो फंकी शेड होते हैं ना आपके पिंक ब्लू, मैंने आपको फिर बताया वो वॉश आउट होते हैं, ये वॉश आउट नहीं होगा क्योंकि हमने इसको प्रॉपर डेवलपर से डिपॉजिट किया, इसको ऑक्सीडेंट कहते हैं 20 वॉल्यूम। आप इसको करिए आराम से, ये देखिए आपको दिख रहा पूरा हो गया, जिसको दूसरी लैंग्वेज में आप वॉयलेट को बैंगनी कलर कहते हैं, बैंगनी, ठीक है। अगेन इसकी अपडेट फिर से बोल रहा हूँ, क्या हर चीज़ की अपडेट, नया बैच कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, कितने बजे का है, नई वीडियो कब आएगी कितने बजे आएगी, क्या पोस्ट है, क्या सलून में एक्टिव चल रहा है, वो इंस्टाग्राम पे स्टोरीज पे पोस्ट पे लाइव आके बताते रहते हैं, ठीक है। और वो जो जो भी मुझे बताएगा 20 वॉल्यूम की डिपॉजिटिंग कैसे करते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बताना, ठीक है, तो मैं उनको नेक्स्ट स्टोरी पे इसके थंबनेल के साथ टैग करूँगा कि हाँ इन्होंने बताया था उनके अकाउंट को, ठीक है, तो आपको पता चलता रहेगा कि कौन कर रहा है, डन। और आपने देख लिया होगा देखो कितना अच्छा पिंक आया। अब ये वैसे नॉर्मल अगर आप रेड कलर की वो निकाल कर ट्यूब जो मैंने लास्ट रेनबो शेड में दिखाई थी, रेड कलर या पिंक कलर की ट्यूब पिंक कलर जैसी थी, ब्लू कलर की ट्यूब ब्लू कलर जैसी थी, और वो ग्रीन कलर की ट्यूब ग्रीन कलर जैसी थी। लेकिन जब आपको मैंने दिखाया कि वॉयलेट कलर की मैंने ट्यूब निकाली जैसे इसके अंदर 4.20 तो वाइट निकली थी और ये वाइट ही थी कलर, लेकिन ये कलर डेवलप होने के बाद पिंक हो रहा है, देखो आपको अंदर दिख रहा होगा। तो मैं तो सोच रहा हूँ आपको अगर मैं इसको पूरे 20-25 मिनट दूंगा, इसको मैं पूरे 20-25 मिनट दूंगा तो ये प्रॉपर कलर आ जाएगा, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं इसको हैंड पेंट वॉश ही कर देता हूँ, ठीक है। तो वो अगर वॉश के मतलब वॉश में कलर हल्का आया तो आप समझ जाना कि इसको टाइम देना था, बस आपको ही बिना कट के दिखाने के लिए मैं इसको हैंड पेंट वॉश कर रहा हूँ, ठीक है। अगर कलर अप डाउन रहता है तो आप समझ जाना कि टाइम का शॉर्टेज था, बस मैं आपको बस ओरिजिनलिटी दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं वन शॉट में ही काम कर रहा होता हूँ, और अगर मुझे वो करने की जरूरत नहीं है। अगर ये कहीं एक दो बाल अंदर से रह जाए फीका लगे तो समझ जाना कि टाइमिंग का शॉर्टेज था, मैं हैंड टू हैंड ही कर रहा था, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, चलो हम वॉश करने चलते हैं, हम इसको निकाल देते हैं, इसको रख लेते हैं बस, ये हमारा पी स्क्वायर है, ठीक है, आइए चलिए। देखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि बस कलर अगर हल्का होता है, कलर अगर हल्का होता है तो आप इसके अंदर टाइमिंग का शॉर्टेज होगा बस, और किसी चीज़ का शॉर्टेज नहीं होगा। देख पा रहे हैं आप वॉयलेट कलर, माफ देना। इसमें मैंने ये आपके लिए हेयर मास्क लगा दिया, लेकिन इसको रखने का आपको पता है कि 5-10 मिनट तो रखना ही पड़ता है, 10-15 मिनट, बस हल्का सा स्मूथनेस आ जाए इसलिए मैं हल्का सा लगा रहा हूँ और इसको हैंड टू हैंड में वॉश कर दूंगा, जितनी स्मूथनेस आगे नहीं होगी तो आ जाएगी, अदरवाइज देख ले जाएंगे बाद में। प्रेसिंग लगाओ, प्रेसिंग करी, ये भी है प्रेसिंग भी, अभी लगा दो, गर्म कर दो प्रेसिंग में। आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर वॉयलेट कलर की अगर आपको विजिबिलिटी आ रही होगी कैमरे में, नहीं तो सूखने के बाद तो मैं प्रॉपर दिखाऊंगा, अगर इसके अंदर आ रहा है तो ठीक है। ये देखिए कहीं से हल्का फुल, अगर हल्का फुल्का दिख रहा है तो मैं पहले बता रहा हूँ कि टाइमिंग की कमी थी, अगर प्रॉपर मैं इसको रखता तो ये प्रॉपर आता, ठीक है। तो टेंशन नहीं माननी है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि
टाइमिंग के इशू के हिसाब से ये फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल बेस पे लग के दिखा देता हूँ कि कैसा था। ठीक है, आप देखिए ये पर्पल कलर दिख जाएगा आपको, अगर आपको दिख रहा होगा तो। ठीक है, ये अगर हल्का लग रहा है तो ये बिल्कुल प्रॉपर डार्क आएगा। आपको इसको टाइम देना है, मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको प्रॉपर इसको टाइम देना है। आइए नीचे बैठते हैं। अगेन मैं उसको प्रेसिंग कर रहा हूँ, पीछे तो मैं आपको बता रहा हूँ हल्का, अगर आपको हल्का लग रहा है, अगर कलर हल्का लग रहा है तो बस टाइमिंग का शॉर्टेज है, बस आपको दिखाने चक्कर में। पहले मैं सोचा था कि आपको कट करके दिखाऊंगा, बट इट्स ओके। सिंपल सा फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कलर देखिए, अगर आपको ब्राउन दिख रहा है तो वो ब्राउन कलर, वॉयलेट कलर आपको दिख रहा होगा इसके अंदर। सिंपल सी बैठे यहाँ से देखिए, पहले ऐसा प्रीलाइटेड हेयर था, वैसा हो गया। ठीक है, अगर आपको ये प्रॉपर नहीं दिख रहा, प्रॉपर डार्क कलर चाहिए तो आपको टाइम देना पड़ेगा, दैट्स इट। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कैसे वॉयलेट कलर आया, बैगनी कलर 4.20, दैट्स इट। कुछ वीडियो के अंदर कहीं पे फास्ट फॉरवर्ड दिखता है तो बस यही है, इधर से उधर आने के चक्कर में, या फिर ड्रायर की आवाज़ या पानी की आवाज़ हटाने के चक्कर में करा होगा। अदरवाइज ये पिंक शेड है, वो वॉयलेट शेड है, देख लीजिए आपके सामने दिखाई दे रहा है, वॉयलेट दिखाई दे रहा है ना, वॉयलेट जैसा। ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत लाइट दिख रहा है ना, आया नहीं, टाइम की शॉर्टेज है। ये देखिए मेरे शर्ट पे देख लीजिए, आपको शर्ट पे वाइट पेशा दिख जाए, दिख रहा है, डन। ठीक है, और कोई इश्यूज हो मैं फिर से बोल चुका हूँ, उसके बारे में जानना हो कुछ तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर दीजिए, पीस प्लस सलून की हमारी आईडी है, उसके थ्रू हम बात कर लेंगे आपसे। कोई इश्यूज हैं, कोई बात करनी है तो मेरा नंबर भी दिख रहा होगा यहाँ पे सलून का, जो आपको लेफ्ट या राइट साइड नहीं दिख रहा होगा, इधर ही नहीं, इंस्टाग्राम की आईडी दी होगी, उस पर आप मैसेज करिए, मुझे टैग करिए, मुझे पीस प्लस सलून टैग करिए, मैं देख लूँगा। कुछ चीज़ें आपकी स्टोरीज आप टैग करेंगे हमें तो हम उसको अपनी स्टोरी पर लगाएंगे, टेंशन मत लीजिए। कोई इशूज़ है और आपको इसके बारे में कोई क्वारी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे सेम उसके लिए टैग कर सकते हैं, जो उसकी पोस्ट होगी उसके अंदर भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।